सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा दलवी। दलवी जी, कौन से पार्टी से खड़े हैं और कौन से वार्ड से खड़े हैं? मैं जनता दल सेक्युलर से खड़ी हूँ इलेक्शन के लिए, ये म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए, और वार्ड नंबर 194 से खड़ी हूँ। जी अपर्णा जी, अगर चुनाव की बात करें तो अगर जनता के रुझान की बात करें तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है यहाँ पे, और जनता दल का लोगों पे कितना विश्वास है, कितना किस तरीके का माहौल है? जी माहौल तो आपको सबको मालूम ही है कैसे चल रहा है। अभी जातिवाद की भी बहुत बातें चलती है यहाँ पे, बहुत दंगे होते हैं। ये सब अपने को बंद करना है, क्योंकि जनता दल सेक्युलर बोलेंगे तो पहली बात सेक्युलर मीन्स सब हम लोग, सब गरीब हो अमीर हो, कौन से भी कास्ट के हो या धर्म के हो, हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। ये तो हमारी पहले से यही बात है, हम लोग हमेशा जो गरीब। अपर्णा जी, चुनाव की अगर बात करें तो किस प्रकार का आपकी रणनीति है, रणनीतियों की बात करें, आपका रोड मैप की बात करें, तो अगर जनता आपको चुनती है, मौका देती है, तो क्या रोड मैप होगा अपर्णा दलवी का? जी मैं तो हम लोग के वार्ड में काफ़ी सारे इश्यूज है जिसके लिए मैं पहले से ही काम कर रही हूँ। ये तो अभी इलेक्शन से अभी आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही से ही कामगार नगर जैसा एरिया है वहाँ पे जाके मैंने पूरा सर्वे किया है और लेटर भी दिया है बीएमसी के ऑफिस में। 6 दिसंबर को मैंने लेटर दिया है बीएमसी को। तो ये तो मेरा अभी इलेक्शन के बाद वापस काम चलेगा। मैं लोगों को जाके पूछती हूँ कि उनके क्या इश्यूज़ है, वो उनके जो पर्सनल इश्यूज़ है वो भी पूछती हूँ, उनके एरिया के जो इश्यूज़ है वो भी मैं उनको पूछती हूँ। तो मुझे को लोगों को उनके बोलते हैं ना हार्ट तक पहुँच रहे हैं, उनका क्या मेजर प्रॉब्लम है, सबके नंबर भी लिए हुए और उनको मैंने बताया कि आप आके मुझसे कभी, मेरा नंबर भी उनको दिया हुआ है कि आपको कुछ भी इश्यूज रहेंगे, दिन हो रात हो, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि कॉरपोरेटर का नंबर किसी के पास पास नहीं रहता है, जैसे हेल्पलाइन नंबर कोई पहुंच नहीं पाता है कॉरपोरेटर के पास। जीत तो जाता है, वो 5 साल राज करते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं बाद में लोगों को जगह आपके क्या इश्यूज है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर बात करें और मुद्दों के, जैसे वाटर मीटर गटर अगर छोड़ देवे तो उसके अलावा नगर सेवक का क्या काम होता है, और जो पूर्व नगर सेवक यहाँ से थे उन्होंने क्या क्या काम किया और क्या क्या समस्याएं अभी आप तक आपके सामने तक आई? अच्छा, आपसे मैं बोलूँ तो पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने, अभी जो मैं उनसे लोगों से बात करती हूँ उनको पूछती हूँ, आपने अपने नगर सेवक आपको कभी मिलने आए क्या, कभी आपसे बात हुई क्या? तो बोलते कभी, वो बाद में 5 साल में आए ही नहीं पूछने के लिए, बस वोटिंग के टाइम वोट डो करके पूछने के लिए आए थे, बाद में एक बार भी हमारे एरिया में नहीं आए। इनफैक्ट एक लेडी बोल रही थी वो जाती है किसी के पास तो कोई खड़ा भी नहीं करते, इधर जाओ उधर जाओ ऐसे भेजते रहते, तो 3-3, 4-4 महीने ऐसे ही जाते हैं और कोई काम भी नहीं करता है उनका। तो फिर नगर सेवक जो रहता है वो नगर का सेवक रहता है, वो कोई राजा नहीं रहता है, लेकिन एक बार नगर सेवक होने के बाद अपने आप को सब लोग राजा समझने लगते। अगर अपर्णा जी आपको जनता मौका देते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता? पहले तो मैं उनको पूछूंगी, मैं तो ऑलरेडी पूछ रही हूँ, उनके जो भी इश्यूज है वो ले रही हूँ। तो पानी का प्रॉब्लम है कोई जगह पे, गटर्स का प्रॉब्लम है, बीएमसी से सफाई भी अच्छी तरह से होती नहीं है, तो मेन जो हाइजीन है उसके लिए भी मैं देखूंगी। अपर्णा जी, अगर मैनिफेस्टो की बात करें, पार्टी के घोषणा पत्र की बात करें, तो उसमें क्या क्या कुछ नया कुछ दिया है पार्टी ने? नया तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ अभी अच्छे अच्छे स्कूल्स अगर हो सकते हैं तो हमारे एरिया में अगर स्कूल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है, ये हम लोग कोशिश करेंगे। गार्डन्स अगर जगह मिलेगी हम लोग को तो गार्डन बनाएंगे हर जगह पे। मेन इशू तो लोगों का जो है, चलो गार्डन भी ठीक है, लेकिन पानी का जो मेन है, हाइजीन का इशू है, क्योंकि हाइजीन पे के ऊपर तो मैं बहुत ध्यान देने वाली हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल, अगर मौका, जनता आपको मौका क्यों देवे, अपना को वोट ठीक देवे, इसलिए मैं करती हूँ, क्योंकि बेसिकली तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पार्टी तो मैंने बाद में ज्वाइन की, काफ़ी सारे संस्थाओं के साथ हूँ मैं, तो मेरा मेन इशू ये है कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आई हूँ कि लोगों के मदद के लिए, इस बात के लिए मैं आई हूँ कि लोगों को मदद कर सकूँ। अभी लोगों को ऐसा रहता है ना, पॉलिटिक्स बोलेंगे तो सब लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स है, नहीं मैं जाके उनसे मिलती हूँ और उनको समझाती हूँ। हमारी जो पार्टी है जनता दल सेक्युलर, वो हमेशा क्लीन पार्टी रही है, अभी तक किसी का भी ऐसे हमारे पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसको कभी भी सीट दी नहीं है। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी से भी, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है, और अभी हम लोग के अभी भी सीट्स है वो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य करते हैं बेसिकली। सवाल चलते चलते, हाँ। देश के पार्टी को बहुत सारे नेता दिए आपके पार्टी ने, बराबर, लेकिन मुंबई में कहीं कुछ नजर नहीं आ रही, क्या कहना चाहिए? अभी नहीं, देखो किस बात का दुख है? दुख इसलिए है क्योंकि देखो हमारे जो अच्छे बड़े लीडर्स थे उन्होंने तो वो काम करके गए, उनका नाम अभी भी है लोगों के दिल में। अभी मैं जाके मिलती हूँ लोगों से तो उनको याद दिलाती हूँ, तो मुझे हाँ ऐसा जो राज था वो वापस आना चाहिए,
जो जनता दल का राज था हम चाहते हैं, क्योंकि उनको पहले लगता था बीच में इन्हें ऐसा कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए हमारे साथ, किसी ने ऐसा मिला हो क्या? अरे हाँ, देवी जी गौड़ा जी को, बीपी सिंह को हम जानते थे। बहुत बहुत अच्छे से, बहुत हाँ, काफ़ी लोग बोले, दो तीन जन बोले। बीपी सिंह जो थे वो हम लोग में से थे, हम लोग को ऐसे कभी नहीं लगा। एक और भी है, वो बोले कि हम लोग के लिए जो उन्होंने SC ST OBC का जो ये किया है रिजर्वेशन का, हाँ मंगल आयोग, उनके वजह से हुआ। तो वो बोले मैं एक्चुअली SC कम्युनिटी से हूँ, लेकिन आज बाद में मैं रिटायरमेंट के टाइम, ये रेलवे में थे वो, अभी मैं क्लास वन ऑफिसर बन के मैं रिटायर हुआ। तो उनको बहुत ही रिगार्ड्स है, हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही रिगार्ड्स है। तो बोले अब मैडम आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मैं आपके साथ हूँ। पानी वाली भाई, और अपने मृणाल थाई गोरे जिन्होंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो पानी वाली भाई भी फेमस है अपनी, मृणाल थाई गोरे जिन्होंने मुंबई का पानी का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व किया था, उनके लिए भी काफ़ी रिगार्ड्स है। हमारे हर एक लीडर उसका लिस्ट है ना, बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं किसका नाम लूँ ऐसे, और लोगों को मालूम है। लोगों का कहना है, हाँ। जब लोगों को टिकट्स मिलती है, जब उन्हें वोट चाहिए होता है वो घर पे आके हाथ जोड़ते, लेकिन जब वो टिकट्स मिल जाते हैं उनकी जीत हो जाती है तो हमें नजर नहीं आते। तो अपर्णा का इसका क्या जवाब? और एक बात है, महिलाओं की बात की तो मुझे एक दो महिलाओं ने ये भी बताया कि दारूबंदी के लिए आप देखो कुछ कर सकते हो, उनकी तरफ से वो लोग मुझे बोल रहे हैं दारूबंदी, ये दारू के वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है घर में, जैसे ये तो स्पेशली मेड सर्वेंट्स हैं उनके घरों में, और गरीब लोग रहते हैं उनके घर में, लेडीज़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, उसके वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। तो दारूबंदी के लिए भी कुछ करिए। ऐसे सवाल उठ रहा है कि मुंबई जैसे शहर में किसानों की क्या ज़रूरत है, किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ गाँव में जाके चुनाव लड़ना चाहिए? कुछ भी अपने जो बोलते हैं ना, जो मेन अपनी शुरुआत होती है, बीज होता है वो अपने, और पूरा आपको मालूम है 70-80% अपना एग्रीकल्चर यह है, कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, और हम लोग खाते पीते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसपे क्या कुछ आपने किया है ना? किया, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट की पेंशन मिले किसानों के लिए, वो भी उसके लिए भी फाइट करें, 2000 पेंशन मिले। क्योंकि एक होता है ना, कोई भी किसान अगर बूढ़ा हो जाता है तो हल नहीं चला पाता है, तो गवर्नमेंट के तरफ से उनको कुछ हेल्प मिले, इसलिए हम लोग तो किसानों कर दिया है अपना जीवन को। नहीं नहीं मिलता नहीं, नहीं हो रहा है इतना कुछ, अभी भी कर्नाटक में सब जगह पे नहीं हुआ है, वो थोड़ी जगह पे हुआ है, इसलिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी हुआ, उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। किसान तो अपने बेस है, किसान के बिना तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग खाना भी खाते हैं उनकी वजह से खाते हैं, तो उनको भूलना नहीं चाहिए।